तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बड़ा सेठ था, तो अपना घर को थोड़ा बंद करके बाहर गया, तो रास्ते पे उसको याद आया कि अरे घर का ताला में डाला नहीं, भूल गया है, इसलिए ताला लगाने के लिए वो फिर से आया, तो देख रहे हैं कि गेट खुला है, अंदर से कुछ आवाज आ रहा है, एक लड़की का और एक लड़के का बात करते हुए आवाज आ रहा है, और बात भी प्रेम की बात कर रहे हैं, आजकल की प्रेम की बात कर रहे हैं, और आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। तो उसको आश्चर्य लगा, यार घर पे कोई लड़का लड़की घुसकर ऐसा लग रहा है कुछ तो कर रहे हैं। वो चुपके से गया, उस लड़के को पकड़ लिया, तो लड़की किधर है? तो लड़का बोला, लड़की नहीं है यहां पर कोई। अरे मैं तो सुन रहा था, तुम बात कर रहा था, लड़की की भी आवाज आ रही थी और लड़का का भी आवाज आ रहा था, मैं अंदर आया तो छुप गया रहेगा, किधर मैं ढूंढता हूं। उस सेठ ने पूरा घर ढूंढा, अपना अलमारी भी ढूंढा, वहां पर भी कोई लड़की मिली। उसको आश्चर्य लगा, मैं तो एंट्री इस रास्ता पे किया है, फिर कहां गई? तो बाद में लड़का बोलता है, एग्जैक्टली मैं अकेला ही था, लड़की और लड़का का आवाज में बात कर रहा था मैं, जब लड़की बोलती थी मैं ही आवाज कर रहा था, लड़की की आवाज लड़का का आवाज में रही, इसलिए एक ही मैं, लेकिन आवाज क्या है, दो है। तो इस संसार का एक लड़का अपने शक्ति से लड़की का आवाज और लड़का का आवाज निकाल सकता है, बट परम पुरुष भगवान अपना शक्ति से दो शरीर बना सकते हैं। असंभव है? असंभव ही है, संभव। तो इसीलिए एक आत्मा हो सकता है, लेकिन लड़का लड़की का आवाज निकाल सकता है, साउंड बना सकता है, बट भगवान क्या कर सकते हैं, पूरा शरीर भी निर्माण कर सकते हैं एक आत्मा होकर। तो इस प्रकार हमें समझना है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। रस आस्वादन करने के लिए जनरली क्या है, इस प्रकार की शरीर उन्होंने धारण किया है।